ठीक है, कल हम लोग भारत संसाधन एवं उपयोग इकाई 1 और सब्जेक्ट हमारा है ज्योग्राफी क्लास 10th, इन सब के बारे में कल हमने पार्ट 16 में पढ़ा था, पानी का उपयोग, जल का उपयोग हमारे जीवन में क्या है, अगर हम पानी को नहीं बचाएंगे तो उसका हमारे लाइफ पे क्या असर पड़ेगा, इन सारे चीज़ों के बारे में कल के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो चलिए खंड ख जल संसाधन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पार्ट 17 में क्या है। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मात्र एक ही टॉपिक, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, बहुउद्देश्य परियोजना, इसके बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले हम ये जान लें शॉर्टकट में कि बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं होती क्या है। देखिए, बहु मतलब होता है अनेक, उद्देश्य मतलब आपको पता है कि कोई उद्देश्य एम लक्ष्य, और परियोजना मतलब होता है कोई स्कीम, कोई योजना, यानी कि एक काम से बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करना बहुउद्देश्यीय परियोजना कहलाती है। जैसे आप लोग सुने हैं ना, एक तीर से तीन निशाना, एक तीर से तीन निशाना, दो निशाना, चाहे जितना निशाना कह लीजिए, तो वही है बहुउद्देश्यीय परियोजना कि एक काम से हम कई सारे काम को निकाल सकते हैं, एक बार काम करेंगे और अलग अलग तरह से हमें उसका फायदा मिलेगा, तो वो कहलाता है बहुउद्देश्यीय परियोजना। और इसकी जो स्टार्टिंग है और इस पे जो सबसे जोर देने वाले व्यक्ति थे वो थे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और देश के आज़ादी के बाद ही इन योजनाओं पर काफ़ी ध्यान दिया गया था। तो इसमें क्या क्या हुआ, इसमें लोगों का विरोध भी था, क्यों विरोध हुआ, किसने किया, इन सारे चीज़ों का जिक्र हम लोग आज के इस क्लास में करने वाले हैं। सो इसके साथ आप बने रहें अंत तक और अच्छे से इसको जानें। दूसरी बात, देखिए मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को पहली बार डाउनलोड ना करें बल्कि एक बार ऑनलाइन ही देखें, इससे क्या होगा कि वीडियो का रिटेंशन अच्छा जाता है तो पढ़ाने का मन करेगा, नहीं तो आप लोग तुरंत क्या करते हैं कि डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार देख करके डाउनलोड कर लीजिए, इससे वीडियो का रिटेंशन अच्छा रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है प्राचीन ग्रंथों, प्राचीन ग्रंथ मतलब होता है कि हमारे जो भी पुराने ग्रंथ हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लें जैसे कि रामायण है, महाभारत है, तो ये हमें हमारे क्या है, ये हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, या अन्य ऐतिहासिक अभिलेख हो, ऐतिहासिक अभिलेख, जैसे अभिलेख का अर्थ क्या होता है, दीवालों पर या बड़े बड़े खंभों पर राजा महाराजा जो छपवा देते थे अपने बारे में, उसी को अभिलेख कहते हैं। जैसे कि अशोक था, चंद्रगुप्त मौर्य थे, पृथ्वीराज चौहान थे, अकबर थे, तो ये लोग क्या करते थे, ये अभिलेख लिखवाते थे अपने बारे में, अपने राज्य के बारे में। तो कोई प्राचीन ग्रंथ की बात करें या किसी ऐतिहासिक अभिलेख की बात करें तो इससे स्पष्ट होता है कि ईंट पत्थरों मिट्टी मलबों, ईंट पत्थर का, ईंट पत्थर तो आप जानते ही हैं, ईंटा पत्थर देखे होंगे, मिट्टी यानी जिस पर आप ज़मीन पर खड़े हैं, अब मलबा मतलब होता है ना, सिंपल भाषा में आप लोग कह सकते हैं, गाज देखे हैं, जैसे नदी के किनारे आप लोग देखिएगा जहाँ पे पनिया आके टकराता है ना किनारवा पे, देखिए वहाँ पे उजरे उजरे गाज जमा हो जाता है, उसी को मलबा कहते हैं। के सहारे झीलों या अन्य जलाशयों, झील और जलाशय, जलाशय मतलब हो गया पोखरा, आ झील होता है वो भी एक प्रकार का पोखरे है, मतलब चारों ओर से पेड़ पौधा और बीच में पानी हो। जलाशयों के तटबंध, तटबंध मतलब किनारा, और लहरों जैसी उत्कृष्ट कृतियाँ बनाई जाती थी, मतलब कहने का अर्थ है कि ये जो तटबंध है, तटबंध जिसको हम लोग अपनी भाषा में बांध कहते हैं, बांध हम देखे हैं ना, नदी वदी में बांध बना जाता है पनिया को रोकने के लिए, तो जो तटबंध बनता है, जो अभिलेख बनता है, ये ऐसा नहीं है कि आज से बन रहा है, ये प्राचीन काल से बन रहा है। उस समय भी राजा लोग बांध बनवाते थे पानी से बचने के लिए, बाढ़ से बचने के लिए, या इसका सही तरीके से यूज करने के लिए। अतः यह परिपाटी नवीन नहीं है, इसलिए ये जो बात है वो नवीन नहीं है, नवीन मतलब होता है नया, हमने आज कई नदियों पर बांध बनाए हैं,
आज इंडिया में कई ऐसी नदियां हैं जहां पे बांध बनाकर कई उद्देश्यों की पूर्ति की जा रही है, जैसे कि बिजली, नहर निकालना, खेतों की सिंचाई, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो नदियों पर बांध बनाकर ये यूज किए जा रहे हैं। यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक नदी में क्या किया गया है, ये बांध बांधा गया है। ये है बांध, आपका देख रहे हैं बांध बांधा गया है। आप कहेंगे ये तो दूसरे बात टाइप का बांध दिख रहा है, हम लोग यहाँ मिट्टी वाला बांध है। तो बांध कई प्रकार का होता है। तो देखिए, एक साइड ये पानी को कंट्रोल करके रखा है, इसको रोक के रखा है, जाने नहीं देगा इस साइड में, ठीक है। तो ये तटबंध कहलाते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि आज से बना है, ये बहुत पहले भी बना था। आगे है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा देशवासियों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु योजनाएं निर्मित हुई। मतलब जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तो आज़ादी के बाद देश के प्रधानमंत्री जैसे कई नेता लोग मिलकर के इस पर काफ़ी चर्चा किए कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि पहले तो हमारे देश का आर्थिक स्थिति सही हो, लोग आत्मनिर्भर बने, सेल्फ मतलब अपने आप पर, वो किसी दूसरे पर निर्भर ना रहे। मतलब कहने का अर्थ है किसी दूसरे देश पर हम निर्भर ना हो। जैसे कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, तो वे क्या कर रहे हैं, पिछले साल से आत्मनिर्भर भारत अभियान चला रहे हैं कि हर व्यक्ति को खुद के देश में प्रोडक्ट बनाए, यहीं पर बेचे, ताकि हम किसी दूसरे देश पर डिपेंड ना रह सकें। जैसे कि चाइना वाला क्या है, चाइना वाला हमेशा हम लोगों को दिखाता रहता है, हम लोगों को डरवाता रहता है कि हम अपना सामान नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मोदी जी का कहना है कि हम लोग खुद इतने ना ज़्यादा अच्छे अपने आप को बना लें ताकि हम आत्मनिर्भर बन जाएं। लेकिन हमको पता नहीं अब क्या है, लेकिन हमको लगता है कि केवल किताबी कागजों में ही ये सब चल रहा है आत्मनिर्भर। लेकिन आत्मनिर्भर केवल धनी वनी लोग ही बन रहे हैं, गरीब लोग तो शायद इससे कोई फ़ायदा नहीं ले रहे हैं। अब पता नहीं क्या झोल है सरकार का, अब सरकार जाने। आत्मनिर्भर बनाने और देशवासियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रयास किया गया, जिसमें नदी घाटी परियोजनाओं पर विशेष बल दिया गया। किस पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया, नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना का अर्थ हुआ कि नदियों पर बांध बनाकर विभिन्न प्रकार से पानी का प्रयोग करके लोगों को फायदा देना, देश को फायदा देना। तो ये नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आता है। इन परियोजना के विकास के कई उद्देश्य हैं। अब देखिए, इन परियोजनाओं के विकास के कई सारे उद्देश्य हैं। नदी घाटी का आखिर नदियों पर बांध बनाने का रीजन क्या था, क्या फ़ायदा था उसका, कौन कौन से उद्देश्य थे उसमें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले था बाढ़ नियंत्रण, कि बाढ़ को रोका जा सके। दूसरा था मृदा अपरदन पर रोक, क्योंकि जब बाढ़ आएगी तो कटाव करेगी, तो मिट्टी का कटाव ना हो। पेय एवं सिंचाई हेतु जल आपूर्ति, वहाँ से पीने का पानी और सिंचाई के लिए, पटौनी के लिए पानी अवेलेबल कराना। विद्युत उत्पादन यानी बिजली का उत्पादन करना। उद्योगों के लिए जल आपूर्ति, यानी जितनी भी फैक्ट्रियां चल रही हैं उन फैक्ट्रियों को पानी सही मात्रा में उपलब्ध कराना। परिवहन, परिवहन का अर्थ हो गया कि गाय देखे ना, मतलब कहने का बॉस उस गाड़ी उड़ी के बारे में बात हो रहा है। मनोरंजन के लिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए, मत्स्य पालन यानी मछली पालन, जल कृषि यानी खेती के लिए पानी, पर्यटन मतलब जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, कोई कोई जगह जाते हैं ना, उसको पर्यटन बोलते हैं। तो इन सारे चीज़ों के लिए, इन सारे चीज़ों के लिए लाभान्वित करने के लिए, उसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए इन परियोजनाओं का उद्देश्य था। कौन सी परियोजना, नदी घाटी परियोजना, कि इन सारी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इन अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सक्षम इन नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से विभूषित किया जाता है। और इन्हीं सब देखिए, एक काम यानी एक बांध बांधना, इतनी आवश्यकताओं को पूरा करना, तो इसलिए इसको कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, तो हम कहेंगे कि एक कार्य करके बहुत सारे लाभ प्राप्त किए जाएँ, जिस कार्य से बहुत सारे लाभ प्राप्त किए जाएँ या बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जाए, तो उसे कहेंगे बहुउद्देशीय परियोजना। फॉर एग्जांपल में नदी घाटी परियोजना। नीचे आप पिक्चर देख रहे हैं, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। प्रथम प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण था कि नदी घाटी परियोजनाएं, कृषि औद्योगिकरण, ग्रामीण औद्योगिकरण तथा नगरीय व्यवस्था को समन्वित रूप से विकसित कर सकेगा। मतलब इनका ये प्लान था कि अगर हम नदी घाटी परियोजनाओं पर जोर देते हैं तो खेती हो गया, उद्योग धंधा हो गया, चाहे गांव के स्तर पर चाहे शहर के स्तर पर, सब में डेवलपमेंट आएगा। खैर बहुत सारे फायदे हुए भी, बट इसके कहीं ना कहीं दुष्परिणाम भी निकले जिसका विरोध हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये आंदोलन चला था, ऐसे कई सारे आंदोलन चले जिनसे नदी घाटी परियोजना को रोकने के लिए। तो हमारा ये तो मतलब सोच है कि घाटी परियोजना सही थी, बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए, जो वहाँ के आम आदमी थे ना, वहाँ के लिए दिक्कत था। देखिए होता क्या था ना, जैसे कि मान लीजिए कि ये पानी का बहाव है, ऐसे पानी बह रही है, ऐसे पानी बह रही है, यहाँ पे बांध बना दिया गया, ठीक है। तो पहले पानी ऐसे जा रही थी, अब वैसे नहीं जाएगी, अब बांध बना दिया गया तो पानी इधर साइड में आएगी, इस साइड में जाएगी, कुछ उस साइड में जाएगी। अब इन बांध के आसपास के जो गांव थे उन गांवों में ये बाढ़ का पानी समाने लगा, तो ये लोग बर्बाद होने लगे। तो ये गांव वाले इन सब का विरोध करते थे, ठीक है ना, कि नहीं ये बांध नहीं बनेगा, पानी जैसे जा रहा है उसको जाने दीजिए। लेकिन होता है ना कि सरकार अब लोगों का हर बात नहीं मानती है, विरोध भले आप करते रहे। देख लीजिए पिछले 6 महीना से किसान लोग आंदोलन कर रहा है बिल को वापस लेने के लिए, लेकिन सरकार कहाँ सुनती है, सरकार नहीं सुनती है, बहुत ही कम बातें होती है जो सरकार बातें मान ले। फिर है भारत में अनेक नदी घाटी परियोजनाओं का विकास हुआ है। अब कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाओं का विकास हुआ, तो यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे पहला है भाखड़ा नांगल, दूसरा है हीरा कुंड, तीसरा है दामोदर, चौथा है गोदावरी, पाँचवा है कृष्णा, छठा है स्वर्णरेखा और सातवां है सोन परियोजना। यानी जिन जिन नदियों पर ये सब बांध बना है ना, उन्हीं के नाम पे रख दिया गया है। जैसी अनेक परियोजनाएं भारत के बहुआयामी विकास में सहायक हो रहे हैं। तो ये जितनी भी बांध बने हैं, जितनी भी परियोजनाएं ये चल रही हैं, अभी भी इंडिया को काफ़ी हेल्प कर रही हैं, इनसे अभी भी इंडिया काफ़ी हेल्प ले रहा है, काफ़ी फ़ायदा ले रहा है। गत कुछ वर्षों से बहुउद्देशीय परियोजनाएँ एवं बांध विरोध एवं पुनर्निरीक्षण का कार्य बनते रहे हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि भले ही ये परियोजनाएं तो बन गई, नदियों पे बांध बन गए, लेकिन इनका विरोध लगातार है, अभी भी पटका पटकी ग्यारह गरगुल सरकार और लोगों के बीच चलता रहता है। नदियों में बांध लगाने से नदियों का प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। जाहिर सी बात है कि अभी मैंने बोला ना कि पानी का जो बहाव है, सिर्फ पानी मान लीजिए बह रही है, अब इसमें आप बांध लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें रुकावट पैदा होगी, तो नेचुरल रूप से नहीं बहेगा, प्राकृतिक रूप से। जैसे कि मैं पानी अपने मन से चल रहा है वैसे वो नहीं चलेगा, अब आपके हिसाब से चलेगा तो कहीं ना कहीं तबाही तो लाएगा, जिससे तल पर अवसादीकरण हो जाता है। अवसादीकरण का अर्थ होता है ना, देख लीजिए ऐसे अवसाद, बहुत सारे मात्रा में कहीं कहीं का माटी कहीं ज़्यादा जमा हो जाएगा, कहीं पे कम काट लेगा, मतलब एक टाइप से कटाव करके कहीं पे खाल कर देगा, कहीं पे ऊंच कर देगा, देख रहे हैं ना, और मिट्टी को बर्बाद कर देगा। इन्हीं अवसादीकरण से गांव के लोग जो हैं सरकार का विरोध करते हैं कि नहीं किसी भी नदी पे कोई परियोजना कोई बांध न लगाया जाए, कि खुद उनको प्रॉब्लम होती है। बाहरी जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, उसके किनारे नहीं है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वहाँ पे है उसको दिक्कत है कि उसका ज़मीन ऐसे बर्बाद हो रहा है, तो वो लोग इसका विरोध करते हैं। फिर है इसी तलछट जमाव से जलीय जीवों के साथ भोजन एवं प्रजनन तथा स्वच्छंद विचरण की समस्या तो आती ही है, साथ ही बाढ़ जैसी विभीषिका भी उत्पन्न हो जाती है। मैंने बोला ना कि तलछट जमाव, मिट्टी का इस प्रकार हो जाना तो होता ही है, लेकिन वहाँ पे भोजन की दिक्कत, प्रजनन की दिक्कत, मतलब अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की दिक्कत, स्वच्छंद विचरण, विचरण मतलब होता है घूमना, स्वच्छंद मतलब आज़ादी के साथ, मतलब कि आप आज़ादी के साथ घूम भी नहीं सकते हो, हर तरह से आप पर पाबंदी लगा दी गई, और साथ ही साथ बाढ़ का सामना भी करना। तो लोग इन सारे चीज़ों से उब करके, परेशान हो करके क्या करते हैं, सरकार का विरोध करते हैं। इतना ही नहीं, बाढ़ग्रस्त मैदान की वनस्पतियाँ मतलब पेड़ पौधे एवं मृदाएँ प्लावित होकर
अपघटित भी हो जाती हैं, यानी कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ चला जाता है तो वहाँ के पेड़ पौधे क्या होते हैं, मतलब ढह कर गिर जाते हैं, मिट्टी का कटाव होने लगता है। तो जाहिर सी बात है कि जब बाढ़ आता है तो बहुत सारे पेड़ बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ पे एक टॉपिक है जो आपकी किताब में दिया है, क्या आप जानते हैं देश को विकास के रास्ते पर ले जाने वाले उक्त परियोजनाओं को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। मतलब नदी घाटी परियोजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर। तो ये लाइन आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछता है कि नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक मंदिर का भारत किसने कहा था, तो आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आगे चलते हैं, यहाँ पे दिया है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन जैसी अनेक जन विरोध बहुउद्देशीय परियोजनाओं की खामियों को उजागर करते हैं। आमतौर पर लोग अपनी जमीन, आजीविका और संसाधन से लगाव एवं नियंत्रण को त्याग कर अन्यत्र विस्थापित हो जाते हैं। मतलब कि इन परियोजनाओं के चलते ऐसी समस्या उत्पन्न होती है कि लोग अपना जमीन, अपना घर, अपना जन्म धरती छोड़ के मजबूर होकर के उस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। विस्थापित मतलब होता है और चले जाते हैं। आइए थोड़ा सा मैं आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में कुछ बताता हूँ कि क्या हुआ था। हुआ यूँ कि मेघा पाटेकर नाम की एक औरत है जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। और ये आंदोलन होने का कारण ये था कि नर्मदा नदी पर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नर्मदा नदी पर जो गुजरात में पड़ता है, और गुजरात से होते हुए नदी बहती है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र चली जाती है। तो इस नदी पर एक डैम बनाया गया, एक बांध बनाया गया जिसका नाम था सरदार सरोवर डैम, यानी कि सरदार सरोवर बांध बनाया गया था गुजरात में। इससे इतना ना लोग घर से बेघर होने लगे, लोगों को इतना ना ज़्यादा समस्या होने लगी कि इसका नेतृत्व इस मेघा पाटेकर ने किया था, ठीक है ना। और इसके आगे सरकार को काफ़ी झुकना पड़ा था, काफ़ी सरकार को झुकना पड़ा, उनकी बातों को मानना भी पड़ा, बट पूरी तरह से सरकार इनकी बातों को नहीं मानी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेघा, ये मेघा पाटेकर है, ठीक है ना। तो मेघा पाटेकर का जो जन्म हुआ है वो 2002 ईस्वी में, सॉरी 2002 में नहीं, इनका फोटो है 2002 का, 1 दिसंबर 1954 में हुआ है, और अभी वो 66 साल की है, मुंबई महाराष्ट्र में रहती हैं। तो इन्होंने ये आंदोलन चलाया था। तो विस्थापित होने का अर्थ आप तो समझ ही गए हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। उसके बाद है जिसके बदले इन्हें ना तो पर्याप्त मुआवजा मिल पाता है। मुआवजा का अर्थ क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि मेरा कोई ज़मीन है और सरकार उसे अपने कब्जे में ले ली अपने ज़रूरत के हिसाब से, तो सरकार उसका पैसा देती है, उसको मुआवजा बोलते हैं। तो ना तो उनको पर्याप्त मुआवजा मिल पाया और ना ही ये विस्थापित होने के पश्चात इस परियोजना का ही लाभ ले पाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब आप बांध के समीप आपका घर है और आप वहाँ से कहीं और चले गए, तो फिर बांध के पास कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं, उसका लाभ आपको कैसे मिलेगा। तो उस बांध बनने से वहाँ के लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि उल्टे तो उनका अपना घर चला गया, अपना ज़मीन जायदाद चला गया, वे घर से बेघर हो गए। इसका लाभ पूंजीपति और ज़मींदार वर्ग को अवश्य मिल जाता है। इसका लाभ जो धनी मनी लोग होते, देखिए धनी मनी लोग प्राचीन काल हो चाहे आधुनिक काल हो, हर समय में गरीब लोगों का शोषण करते हैं और अभी भी किए हैं। यह सच है कि सिंचाई की सुलभता ने कई क्षेत्रों में फसल के प्रतिरूप को परिवर्तित किया है। मतलब हाँ, ये बात है कि इन नदी घाटी परियोजनाओं से सिंचाई की व्यवस्था बढ़ी है, नहरें बढ़ी है, लोगों को आसानी से पानी मिल जाता है, लेकिन इससे जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको कितना दिक्कत हुआ, इस पर सरकार शायद ध्यान नहीं देती है। जहाँ जल कृषि एवं वाणिज्य फसलों की ओर किसान आकृष्ट हुए हैं, वही मृदाओं की लवणीकरण जैसी गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। मतलब कि जहाँ पर लोगों को पानी की मात्रा खेती के लिए मिल तो जा रही है,
लेकिन उनसे लवणीकरण यानी कि नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है, भुअरी पकड़ने लगा है ज़मीन में, मिट्टी बर्बाद होने लगी है। इसी वजह से गरीब भूमिहीन, मतलब जिनके पास ज़मीन नहीं है, अमीर भूस्वामी के मध्य एक सामाजिक खाई का निर्माण होता प्रतीत हो रहा है। इस तरह के झगड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगते एवं लाभ के बंटवारे में दिन प्रतिदिन समस्याएं उत्पन्न होते रहे हैं। तो नदी घाटी परियोजनाओं से लाभ तो हुआ, लेकिन इनसे हानियां भी बहुत सारी उठानी पड़ रही हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि नदी घाटी परियोजनाओं द्वारा वांछित उद्देश्यों की पूर्ति न करने की वजह से विरोध एवं आपत्तियां उठाई जाती हैं। यानी कि इनसे जब लोगों को कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है, वहाँ के लोगों को, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे विरोध होता है, सरकार का विरोध होता है, आपत्ति होती है, लोग वहाँ पे जमकर प्रदर्शन करते हैं। इन बांधों का निर्माण बाढ़ नियंत्रण के लिए होता है। अनेक जलाशयों में तलछट जमा होने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अति वर्षा के जल भी बांध के नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। वर्ष 2007 में उत्तर बिहार की बाढ़ विभीषिका का मंजर आप देख या सुन चुके हैं, जो नेपाल स्थित बैराज के द्वारा छोड़े गए जल से अति विकट हो गई थी। नेपाल में एक बैराज जगह है जहाँ से आप सुने होंगे, जब बिहार में पानी आता है तो लोग कहते हैं कि नेपाल पानी छोड़ दिया है, तो वही पनिया छोड़ता है तो इधर पनिया हो जाता है ज़्यादा, जिससे जान माल की क्षति के साथ साथ भूमि निवीकरण की समस्या में इजाफा हुआ है। इजाफा मतलब बढ़ोतरी हुआ है। तो जान माल की तो क्षति हुई है, लेकिन इसमें भूमि निम्नीकरण में भी काफ़ी वृद्धि हुई है, मतलब मिट्टी भी काफ़ी बर्बाद हो चुकी है काफ़ी हद तक। ऐसा भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। अब देखिए, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप समझते हैं ना, पूरा धरती डोला करके ज़मीन पे आपका घर गिरा देगा, पेड़ पौधा गिरा देगा, जो 2015 में आया था नेपाल में, जो कितना बर्बाद करके उसको रख दिया। इतना ही नहीं, बाढ़ से जल प्रदूषण जनित, जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियों का भी संक्रमण हो जाता है। देखिए, फ़ायदा तो हो रहा ही है, कितना नुकसान है इसका भी अंदाज़ा, इसीलिए तो लोग वहाँ के विरोध करते हैं। अब हम लोग दूर बैठे हुए हैं तो हम लोग उसका क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए क्या होता है ना, इंसान की एक प्रवृत्ति है, जब तक उस पर दुख ना आए ना, वो दुख का अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। आपके घर कोई मान लीजिए कि कोरोना से नहीं मरा है ना, तो आप कह देते हैं कि कोरोना कौन बीमारी है, कौनों बीमारी नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसके घर पे बाबू ये गुजरा है ना, वो ये बात कभी नहीं कह सकता है। लोग कानून और नियम बड़ा बतियाते हैं कि ये हो गया है, वो हो गया है, लेकिन जिस दिन उस व्यक्ति पे उसकी आफत पड़ेगी ना, उसका जवान बंद हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि जब तक आप महसूस नहीं करते हैं खुद से, आप उस पर अनर्गल बातें करते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ, गैर सरकारी संगठन को क्या कहते हैं, एनजीओ, नाम सुने होंगे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन मतलब जो सरकारी नहीं है, जो स्थानीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए प्रेरित करता है। मतलब बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो इसका विरोध करते हैं कि नहीं, ये डैम नहीं बनना चाहिए, इससे फ़ायदा कम और नुकसान अधिक है। तो ये था आप लोगों का बहुउद्देशीय परियोजना। अगले क्लास में पार्ट 18 में फिर से हम आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।